ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग ये करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तकरीबन एक दो माह बाद मेरे इलाके में शादी का सीजन फिर से जाग उठा है। बात यह है कि मेरे अब्बू के दोस्त के बेटे की शादी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे वालिद मोहतरम जो है ना अपने दोस्तों के साथ इस वक्त कहीं काम पे गए हुए हैं। तो अब्बू जी ने मुझे सुबह कॉल करके कहा था कि आपने भी आज शादी पे जाना है और अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाने। तो दोस्तों मैंने अपनी टूटी फूटी जो है ना तैयारी वगैरह कर लिया और ड्रेस भी मैंने पहन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं शादी पे जाऊंगा तो वहां जाके आपको अल्हम्दुलिल्लाह वहां का सीन दिखाऊंगा। शादी वाले घर जाने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले दोस्तों मैं शादी वाले घर पहुंच चुका हूं। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि मैं जब निकल रहा था तो उस वक्त मेरे चेहरे पे कितनी ही ज्यादा स्माइल, और रास्ते में मतलब धूप बहुत ही ज्यादा थी, गर्मी थी, गाड़ी हमारे पास थी नहीं तो बाइक थी, बाइक पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी पहुंच गया हूँ मैं इधर। मैं आपको कुछ बुजुर्गान से, शादी के मालकान से और ये पीछे का कोई सारा सीन दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये गांव का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। आई होप कि आप इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इधर खाना बन रहा है, वहाँ जाके भी मैं आपको वहाँ का माहौल दिखाता हूँ। तो इधर जब शादी वगैरह का सीन होता है ना तो मतलब के भाई लोग आ जाते हैं, बच्चे यहाँ से आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, आज बदल तो है नहीं क्योंकि आज धूप है बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा एरिया है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो ब्रदर, ठीक हो? चलो माशाल्लाह, फाइनली तो इधर खाना बन रहा है, ये देखें माशाल्लाह। इधर खाने की ये जो देग है ये रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है, ठीक हो? माशाल्लाह माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। ये देखें माशाल्लाह सारा सामान, ये इधर लंगर पानी तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड पर रोटी बनती है, अदा आटा लग रहा है, मोगे भी अमल लेने पे में। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा वो सामने जो भाई खड़े हैं वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है कौन सी है, ये चीज़ एक कुलखानी थी उधर मैंने ये इस्तेमाल की थी, ये प्याज वगैरह जब शादी वगैरह होती है या कोई और सीन तो ये मतलब बड़ी मशीन काम आती है। ये अदा 6 साल से टमाटर वगैरह कटाने वाली मशीन है। तो इस तरफ पानी वगैरह पी रहे हैं छोटे बच्चे, इधर मस्जिद भी है मतलब अल्लाह पाक का घर। तो ये देखें यहाँ आके मुझे कुछ सुकून मिला है क्योंकि आपके सामने ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, पीछे कमांड है, ऊपर ये आप देखें दरख्त वगैरह हैं। तो इधर का सीन बहुत ज़्यादा, ओ क्या ही बात है। अभी कज़न जी की कॉल आई है तो उसने कहा है कि मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ, तो जो फर्स्ट मतलब के भाई लोग थे वो खाना भी खा रहे हैं, तो हम मतलब के नेक्स्ट जो जाती है ना पार्टी तो उसमें मतलब हम जाएंगे। तो मेरे दूसरे कज़न वगैरह भी आ चुके हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, जो हमारे मैनेजर साहब हैं मैं आपको उससे भी मिलवाता हूँ क्योंकि हमने साथ बैठ के खाना खाना है। तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने मेरे कज़न खड़े हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो कज़न, ठीक हो? माशाल्लाह। ये भाई साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में रहते थे, और ये मेरे उस्ताद हाफिज़ कुरान अंसर खान साहब। कैसे उस्ताद जी, ठीक हो? माशाल्लाह। खाना खा के देवे खाना है, चलो जुलदे हैं वाल कट्ठे। मैनेजर साहब यहां दे पैन जी सर, ते तुसा भी बात ओ जुलो इंतजार, मैनेजर से इंतजार उठा ओ सामने छान ते इस्तेमाल करो, वहां जाके बैठते हैं, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, कजन मेरे कह रहे हैं कि मैनेजर साहब का इधर रोड पे खड़ के इंतजार करते हैं, मैंने कहा आप आ जाओ। तो ये अभी आ रहे हैं माशाल्लाह, तो अभी हम जाके वहां स्टे करते हैं, उसके बाद जब मैनेजर साहब आ जाएंगे तो खाना खाएंगे। ये सामने मैनेजर से आ गए हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैनेजर साहब, ठीक हो? मामा जी क्या
पहले दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया है। खाना जो था बहुत ही अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मेरे चाचू, मेरे कजन, मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने बाइक पे जा रहे हैं, तो अभी हम अड्डे पे चलते हैं, वहाँ जाके कूल ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। चलें कजन? ये मेरे कजन है, अभी हम अड्डे पे जा रहे हैं, वहाँ जाके कूल ड्रिंक पीते हैं। मेरे अंकल आके जा रहे हैं, कजन भी चले गए। चलो कजन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कजन आप तो पहले पहुंच गए थे हैं। चलो माशाल्लाह, कौन सी बोतल पीनी है अभी? पेप्सी। चलो हम भी पेप्सी वाले हैं। मामू कैसे हो? मामू अस्सलाम वालेकुम। अंकल भाईजान, मामू अस्सलाम वालेकुम। मेरे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे मामू हैं, इकबाल खान साहब, मामू नासिर अस्सलाम वालेकुम, जाफिर मसाद हेलो। ये मेरे मामू का शागिर्द है माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छा लड़का है। तो नीचे से उठो ब्रदर, नीचे से उठो। माशाल्लाह, दिखाना ठंडी है। ओ वाओ, गुड जी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबकी दुआ की वजह से, खैर खरियत से शादी खा के, अपनी फैमिली को शादी खिलवा के वापस आ चुका हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी ठीक होंगे। आई होप कि आप सब ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये जो शादियां होती हैं ना, तो इन पे जाने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है, क्योंकि वहाँ जाके बंदा नए नए लोगों से मिलता है, वहाँ का जाके माहौल देखता है। तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये होती है कि आप सबको भी ये शादियों वाला मतलब के सीन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब भी मैं शादी वाली कोई ना कोई वीडियो बनाता हूँ, तो अक्सर लोग मुझे मतलब पर्सनल में अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि लाला जी ऐसी वीडियोस बनाया करो। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा दोस्तों आप ये मेरे माल्टे का बाग देख रहे हैं, इन पर माल्टे लगे हैं या नहीं लगे, ये तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो बस उसके अलावा दोस्तों मैं आपसे माजत खा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस थोड़ा लेट हो गई थी। इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो आप सब मुझे जिस तरह पहले सपोर्ट करते थे उसी तरह सपोर्ट करते रहें। कुछ इश्यूज हैं, उन पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता है कि लाला जी कोई बात अपने दिल में नहीं रखता, सारी बातें हमसे शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कुछ दिन तक मतलब कि अपने दिल की बातें आप सब से शेयर करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो बाकी आप सब कैसे हैं, आप मुझे अपना हाल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें और दें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे चाहने वाले सब कैसे हैं। माशाल्लाह दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। शादी पे मैं गया था तो वहाँ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बदल आप देख रहे हैं, सूरज तो गुम हो गया है, जब मैं जाने लगा था उस वक्त सूरज था, लेकिन अभी गुम हो गया है। तो जब बदल वगैरह आ जाते हैं, कभी कभार हवा अगर साफ चलती है तो माहौल बन जाता है। इसी के साथ आज के व्लॉग का यही इख्तिताम करते हैं। आई होप कि आप सबको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों से, और कॉमेंट्स में ये भी बताएँ कि किसका दिल कर रहा है कि हम भी जाके खान लाला के विलेज की सैर करके आएँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।